brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. वोटिंग के दिन वाला ये वीडियो खासा चर्चा में आया था। दरअसल चर्चा में खुद रहने वाले एमपी के पूर्व मंत्री कमल पटेल अपने पोते को लेकर ही सीधे मतदान केंद्र पहुंच गए थे। इतना ही नहीं, कमल पटेल ने गोपनीयता का भी ध्यान नहीं रखा और फोटो खिंचवाते नजर आए थे। पूर्व मंत्री पर पहले ही FIR हो चुकी थी, लेकिन अब पीठासीन अधिकारी के बाद हरदा DEO और मतदान केंद्र की सेक्टर प्रभारी को भी निलंबित कर दिया गया है। एमपी तक से बातचीत करते हुए संभाग आयुक्त पवन शर्मा ने कहा कि चुनाव में लापरवाही बरतने के कारण प्रतिवेदन के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। बता दें कि लोक अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायत के बाद ये कार्रवाई हुई है। इसके पहले इसी मामले में पीठासीन अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया था। सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने सेक्टर प्रभारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को पत्र लिखा था। उसके बाद अब जिला शिक्षा अधिकारी एवं मतदान केंद्र पॉलिटेक्निक क्रमांक 107 की सेक्टर प्रभारी पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान 7 मई को मतदान के दिन मतदान कक्ष के अंदर नाबालिग पोते के साथ पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। हरदा से लोमेश गौर की रिपोर्ट, अभी तक।